गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्साइट्स। आज मैं आप लोग संग शेयर करने वाला हूँ कुछ बोगनविलिया की कटिंग्स जो कि मैंने समर्स में ली थी। एक्चुअली किसी ने ये ट्री, बोगनविलिया का वेलग्रोन ट्री, उखाड़ के फेंक दिया था, तो मैं इसको उठा लाया था और इससे मैंने 3 ब्रांचेस अलग अलग कटिंग करके रिपोर्ट किया था इस उम्मीद से कि ये ग्रो कर जाएंगे और अगर प्रॉपरली ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा बोनसाई बन जाएगा इसका। और मिड समर्स की बात है, तब से लेके अभी तक अगस्त एंड आ गया है, इसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी मुझे। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गया था, तो मैंने पूरी तरह होप छोड़ दी थी कि अब तो इस कटिंग में से कोई ग्रोथ दिखने वाली नहीं है। फॉर्चुनेटली अभी पिछले 8-10 दिनों में देखा कि इसकी 2 कटिंग में से बड्स आई हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेन ये कटिंग है, ब्रांच है, बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर से ये एक बड हुआ है और दूसरी जो साइड ब्रांच थी उसके अंदर तो बड के संग ही फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये देखिए आप, जबकि 10 दिन पहले तक ये सिर्फ, मतलब मैंने ये मन बना लिया था कि इसको निकाल के फेंक देना है, लेकिन आफ्टर ऑल इसमें से बड्स आ गए। और जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जस्ट रिवर सैंड ली थी और उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिलाई थी, इसके अलावा कोई गार्डन सॉइल नहीं मिलाई थी। एक तरह का मैंने ट्रायल किया था कि देखते हैं रिवर सैंड में लगती कि नहीं लगती, वो भी पीक समर्स में। और जनरली ऐसे कंडीशन में हम इनको ह्यूमिड एरिया में रखते हैं, जैसे बाथरूम में या बिल्कुल जो जहाँ लाइट ना हो, लेकिन इसको मैंने अपनी छत पे ही रखा था शेड के नीचे। उसके बावजूद भी ये ड्राई अप नहीं हुआ और इसमें अभी बढ़ाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कुछ बर्ड्स ऊपर से भी आती तो ये बोनसाई का बहुत अच्छा शेप है, और अगर ऊपर से बर्ड नहीं आती है तो आगे जाकर मुझे इसको इस एरिया से चॉप करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो ब्रांच है ये प्रॉपरली डेवलप हो पाए। वैसे ही ये ब्रांच में भी मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर एक आध बडिंग ऊपर से और होती है तो डेफिनेटली एक बोनसाई का अच्छा शेप आ सकता है, नहीं तो इसको भी मुझे कट करना पड़ेगा। लेकिन ये तीसरी ब्रांच आप देख रहे हैं, इसमें से कोई बडिंग नहीं हुई है, ये लगभग लगभग ड्राई हो चुका है, फिर भी मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ इसको। तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को इसकी अपडेट शेयर करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत ही जल्दी मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग के बारे में भी वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि इनको रिपोर्टिंग करी जाए, जिससे कि प्रॉपर मीडिया में ये ग्रो कर पाए और ये बडिंग जो आई है वो प्रॉपरली डेवलप कर पाए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये और बडिंग देता है ऊपर से तो ये बहुत ही प्रॉपर लाइफ में। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके अंदर बडिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि बोगनविलिया अपने आप में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्लांट है, और इसका जब बोनसाई बनता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं रिपोर्टिंग करूँगा या कोई नई अपडेट होगी तो मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग लाइफ एक्साइट्स, जुड़े रहिए। थैंक यू।